नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी के एजुकेटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019, जो कि काफ़ी दिनों से आप यूट्यूब पर लगातार देख रहे होंगे, महीने भर से चल रहा है। आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, मतलब तरह तरह की फेक वीडियो आपको मिल रही होंगी यूट्यूब पर। कोई कह रहा था 15 अप्रैल को आ जाएगा, कोई कह रहा था 16 अप्रैल को आ जाएगा। तो इन्हीं सब बहुत सारी जो फेक वीडियो हैं, इन्हीं के चलते मैंने सोचा एक कन्फर्म वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बना दूँ, उनको सही न्यूज़ मिल सके। देखिए इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इस वीडियो में आपको बिल्कुल कन्फर्म और क्लियर न्यूज़ मिल जाएगी, आपको भटकने की और कहीं ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सटीक न्यूज़ दूंगा मैं इस वीडियो में, कब और किस दिन घोषित हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो जानने के लिए बने रही वीडियो पर अंत तक, और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यह है न्यूज़ की यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019, रिजल्ट्स के इंतजार की घड़ी समाप्त, आखिरी सप्ताह में आएगा परिणाम। यहाँ देखिए यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 हाई स्कूल व इंटर के परिणाम इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष भी 29 अप्रैल को दोनों रिजल्ट एक साथ जारी हुए थे। तो चलिए पूरी न्यूज़ की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों की राह बड़ी होती जा रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की इंटरमीडिएट हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 के परिणाम की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अब तक रिजल्ट की तारीख तय नहीं हो सकी है। संकेत है कि 2 दिन बाद यानी 20 तक इसका ऐलान होगा। तो यानी 20 तारीख को अभी बोर्ड की तरफ से पहले ये बताया जाएगा कि इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो यूट्यूब पर जो बहुत सारे फेक वीडियो बन रहे हैं, कोई कह रहा है 16 को 2 बजे आ जाएगा, कोई कह रहा है 15 को 1:30 बजे आ जाएगा, वो डेटें तो बीत चुकी। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से झूठ आपको परोसा जा रहा था। तो देखिए यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर के परिणाम इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष भी 29 अप्रैल को दोनों रिजल्ट एक साथ जारी हुए थे, उसी तरह इस बार भी परिणाम आएंगे। यह जरूर है कि बोर्ड के अफसर परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी के यहाँ जाने की तैयारी में हैं। ज्ञात हो कि अफसरों की एजेंसी के यहाँ जाने के सप्ताह भर बाद रिजल्ट आता रहा है। तो जैसे ही वो उस एजेंसी के पास जाएंगे, उसके एक सप्ताह बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। देखिए बोर्ड ने प्रस्ताव दिया है कि 30 अप्रैल से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जिस पर शासन की मुहर लगनी है, यानी जो शासन शिक्षा मंत्री वगैरह हैं। अब मुहर कब लगेगी यह साफ नहीं है, बल्कि बोर्ड अफसर जल्द तारीख बताने का आश्वासन हर दिन दे रहे हैं और शाम को अगले दिन का इंतजार करने को कहा जा रहा है। और देखिए और आगे की जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पिछले वर्ष रिजल्ट की तारीख का औपचारिक ऐलान माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने किया था, इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से तारीख मंत्री स्तर से घोषित नहीं होगी, बल्कि बोर्ड सचिव ही उसका ऐलान करेंगे। सूत्रों के अनुसार तारीख बोर्ड से बताई जानी है, लेकिन उस पर अनुमोदन की प्रक्रिया होनी है और उसी में विलम्ब हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हर दिन तारीख को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं, हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार रिजल्ट की तारीख बता रहा है। तो मतलब ये है कि अभी बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डेट तक नहीं घोषित की गई है कि किस दिन आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और यूट्यूब पर आप देखें तो कम से कम हज़ारों वीडियो ऐसे बने पड़े हैं कि इस दिन घोषित हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उम्मीद ये है कि अप्रैल के अंत तक 29-30 तक 28 तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जो रिजल्ट जारी होनी है वो किस डेट को जारी होगा, इसका डेट जो है वो आपके पता चल जाएगा 20 तारीख को। 20 तारीख से कंफर्म हो जाएगा कि हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो किस दिन घोषित होगा। तो जैसे ही डेट कंफर्म होगी मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, आपको सही जानकारी देना मेरा काम है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज स्कॉलरशिप और न्यूज़ से एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।